भाई देखिए, मतलब इस गर्मी में सूरत में 40 से 35 डिग्री टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में ये मंटी और ये मैम कुछ लेकर आ रही है। चलिए चलते और पूछते हैं कि है क्या। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक है। अच्छे हो मतलब? हाँ अच्छे। तो मैम इस गर्मी में 40 से 35 डिग्री टेम्परेचर में आप ये बड़ा सा कुछ उठा के ला रही थी, ये है क्या? ये पत्थर जैसे दिखने वाली चीज, ये खाने का फल है। ये फल है, ये गर्मी, ये फल दिखता है पत्थर जैसा, लेकिन उसको खाने में नरम है और एकदम हेल्दी है। हम लोगों को एकदम तंदुरुस्ती मिलती है, ये गर्मी में खाने से पेट में ठंडक मिलती है। तो अच्छा मैम, थोड़ा बताइए मुझे कि पत्थर जैसा दिखने वाला फल आखिर दिखता कैसे? देखो, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ छू लोगो। तो भाई बहुत ही सख्त है, मैम सही बोल रही है, वाकई पत्थर जैसा है। अच्छा, ये किसी को गलती से मार भी दिया तो मतलब उसका सर फट जाएगा, फट जाएगा, इतना मतलब सख्त है ये। हाँ। तो ये बाहर से सख्त है तो अंदर से तो नरम होगा ना? एकदम अंदर से मुलायम। देखो ये इसमें से निकलता है ये फल। अच्छा, ये इसके अंदर से निकलता है, वाकई ये तो बहुत नरम है। तो ये इसे कहते क्या है मैम? इसको ताल फली कहते हैं, उसको गलेली भी कहते हैं। मतलब इसे हिंदी में तार फली कहते हैं और गुजराती में मतलब गलेली कहते हैं। और ये मतलब कौन से मौसम में ज्यादातर पाया जाता है? ये गर्मी के मौसम में ज्यादातर पाया जाता है। सिर्फ गर्मी के मौसम में ही मिलता है और ठंडी और बरसात में नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो ये कैसे उतारा जाता है, मतलब कहाँ से किस तरह से मतलब ये निकाला जाता है? खेत में बड़े बड़े नारियल के पेड़ आता है, खजूर के पेड़ आता है, ऐसा उसका पेड़ आता है, उसमें से चढ़ के मारा जाता है। अच्छा, मतलब ये ताड़ गोले का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, तो उतनी ऊंचाई पे आप चढ़ जाते हो? हाँ चढ़ जाते हैं। तो ये सिखाया, मतलब कैसे सीखा आपने इतनी ऊंचाई पे चढ़ना? बचपन से ही हमको आता है, हम सिखाने की जरूरत अच्छा पड़ती है हम लोगों को। बचपन से आपको आता है? पहले पापा जाते थे, पापा चढ़ते थे, तो उसको देख देख के हम भी सीख लिए। अच्छा, तो मैम एक बताओगे मतलब इसे कैसे काटा जाता है? ये मैम निकाल रही है, आप इसको देख लो। अच्छा, तो यही है वो ताड़ गोला। वाकई गाइस बहुत सख्त है, देख सकते हो कि इतने बड़े मतलब चाकू से इसे काटा जा रहा है। हाथ से तो जल्दी टूटता भी नहीं होगा? नहीं टूटेगा, चाकू से नहीं टूटेगा। चाकू से भी नहीं टूटता है मतलब? नहीं टूटता है। तो ये वही गलेली, यही मतलब निकाला जा रहा है। हाँ। तार गोला एक में कितना निकलता होगा? एक में तीन निकलता है। एक में तीन निकलता है। हाँ। तो ये जो खोल, इसका ये जो खोल है मैम, तो इसका फिर क्या होता है? ये जो खोल है इसका फिर क्या होता है? इसको हम फेंक के सुखा देते हैं, खाना बनाने में भी काम लगता है। अच्छा, मतलब इससे मतलब फेंका नहीं जाता? हाँ। इसे रख दिया जाता है और ठंडियों में मतलब इसका उपयोग पानी गर्म करने में और हाथ और तापने में किया जाता है। वाह, टेम्परेचर इतना हाई है, मैं आप एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ कि इस हाईवे पे आप देख सकते हो गर्मी कितनी ज्यादा है। और बिना छतरी के, बिना कोई सुविधा के ये मैम यहाँ बैठ कर ये ताड़ गोला मतलब की ये क्या गलेली मतलब यहाँ निकाल कर बेचा जा रहा है। देख सकते हैं पूरा इनका फैमिली है, इनकी पूरी फैमिली ये काम यहाँ कर रही है, देख सकते हो। ये पहला निकल चुका है, निकलने के बाद यहाँ रख दिया, अब ये दूसरा निकाला जाएगा इसके अंदर से। ये दूसरा भी निकल चुका है, इसमें तो दो ही निकला। अच्छा, पहले एक निकाल लिया गया था, ये दो अभी निकाला गया है। तो क्या प्राइस रहता होगा मैम इसका, अगर किसी को खाना हो तो? 100 की 12, मतलब 100 रुपए के 12 पीस आते हैं। हाँ, तो देख सकते हो गाइस ये गलेली है पूरी तरह निकल चुका है, 100 के 12 है, देखिए। अच्छा मैम, ये किसी को खाना होता है, एड्रेस क्या रहने वाला है आपका? जंगीपुरा तालुका, और मतलब साईं बाबा का मंदिर आएगा, ओलपाड़ वाड़े रोड पर। ओलपाड़ रोड पे जोठन पट्टी अभी मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग एवरीडे बेचते हो। चलिए गाइस एक बार हम आपको पूरा लुके हैं। गाइस ये है, ये आया है सूरत सिटी में जहांगीरपुरा रोड। अगर जहांगीरपुरा से आते हो तो सीधे आप ओलपाड़ की तरफ जाते हो तो सामने ही आपको इस रोड पे इतनी तड़प कड़कड़ाती धूप में ये मैम ये फ्रूट बेचते आपको मिल जाएंगे। चलिए मैम थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम।